ये कहते हैं कि जब बच्चा 11 साल का हो जाए तो जैसे कहा जाता है भी बच्चों की तरबियत करनी है, तो क्या अब माँ बच्चों के साथ सो सकती है, या जिस कमरे में मियाँ बीवी हैं बच्चे को भी उस कमरे में सुलाया जा सकता है, या उसका कमरा अलग-अलग कर दिया जाए। देखें, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो यही है कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग-अलग कर दो, क्योंकि अब 7 बरस का बच्चा ज़ी शऊर कहलाता है, ज़ी अक्ल कहलाता है हमारे इस्लाम की रूह से, और ख़ुसूसन आपके बाहर के जो है मामलात वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूल्स वगैरह में बच्चों को मतलब किस तरह की तालीम बाज़ुकात दी जाती है, अगरचे वो उसको अपने कानून के एतबार से बेहतर समझते हैं, लेकिन बहरहाल बच्चों के अजहान में ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो बिल्कुल अब चूँकि वो चीज़ें समझने लगा है तो उसको एक अलहदा, अगर आपके पास रूम है तो बहुत ही बेहतर है कि उसको वहाँ सुलाया जाए, और उसको पहले से ही आदी बना ले, 6 साल से थोड़ा थोड़ा अलहदा करने की कोशिश करें ताकि 7वें साल तक मुकम्मल तौर पे वो जहनी तौर पे तैयार हो जाए। बाज़ माएँ बड़े बड़े बच्चों को चिमटा कर रखती हैं और उनको अपने साथ सुलाती रहती हैं, फिर जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है अब ज़रूरत है कि उसको अलहदा किया जाए, वो अलहदा होने के लिए तैयार नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आने वाले वक्त के लिए 2-3 साल पहले से ही आप प्लानिंग शुरू कर लें और बच्चों की तबीयत को उस तरफ माइल करें। जैसे बाज़ माएँ होती बड़े भोलेपन में कहती हैं जी तो दूध ही नहीं छोड़ रहा, 2 साल हो गए दूध ही नहीं छोड़ रहा, अब मैं परेशान हूँ कि 2 साल के बाद क्या करूँगी। तो इससे पहले क्या करती रही थी आप, ड्रामे देखते रही थी बच्चे को दूध पिलाते हुए, तो ज़रा सोचती ना कि आप बच्चा 1 साल का हो गया है तो तकरीबन 1 साल का बच्चा अच्छी खासी ग़िज़ा खाना शुरू हो जाता है, बाज़ात तो बच्चे रोटी तक ले लेते हैं हाथ में। तो इस तरीके से पहले 1 साल का हो जाए बच्चा तो फिर बस जहन में रखें कि इसको 2 साल से पहले पहले दूध छुड़ाकर दूसरी चीज़ों का आदी बनाना है। अब वो ख़ुद माँ उसको आदी बनाकर रखती है तो फिर बच्चा ज़िद करता है। तो खुलासे कलाम ये है कि बहरहाल 11 साल का बच्चा तो काफ़ी बड़ा होता है, इसको अलग-अलग कमरे में ही रखना चाहिए, और ख़ुसूसन माँ हरगिज़ उसको या बहन भाई भी अगर हों तो उनको साथ नहीं सुलाना चाहिए, बिल्कुल अलग-अलग सुलाना चाहिए।